तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो अपने भाई को पहले प्यारा सा सब्सक्राइब मार दो यार। तो अभी जो दिखाने वाले हैं हम वार मूवी में ऋतिक रोशन ने भाई सबसे बढ़िया कैरेक्टर रोल निभाया था भाई। लेकिन भाई हमारे ऋतिक रोशन जो भी एक्शन में घुसते हैं भाई, वो मतलब कि सबसे खतरनाक होता है। तो अभी जो वार मूवी में उनने जो एक्शन दिया है भाई, सबसे खतरनाक है। तो अभी जो वार मूवी निकल कर आ रही है भाई, उसका ट्रेलर तो अभी रिलीज हो चुका है, लेकिन सबसे खतरनाक। लेकिन भाई वार मूवी में अपने ऋतिक रोशन का आप लुक देख सकते हो भाई, सबसे खतरनाक है। तो सबसे खतरनाक लुक है भाई। तो अभी जो भाई हमारी जो बॉलीवुड की मूवी है भाई, ये सबसे लेकिन ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई। तो अभी जो है सबसे खतरनाक है भाई हमारी मूवी। लेकिन भाई वार मूवी क्यों फ्लॉप हुई? फ्लॉप तो ऐसे नहीं हुई भाई, लेकिन वार मूवी सबसे खतरनाक थी। तो फ्लॉप कैसे हुई भाई? फ्लॉप ऐसे हुई कि भाई जो भी मतलब कि वो उसमें जो कैरेक्टर लिया गया था भाई ऋतिक रोशन के साथ, तो वो सबसे फ्लॉप कैरेक्टर था। तो अभी जो भाई हमारे साथ चल रहे भाई ऋतिक रोशन, तो सबसे बढ़िया कैरेक्टर है, लेकिन जो भी कैरेक्टर उनके साथ लिया गया था वो सबसे घटिया कैरेक्टर था भाई। और मैं वो नहीं कह रहा कि हमारे सैफाली भाई कुछ एक्शन रोल नहीं करते, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ भाई, वो फ्लॉप कैसे हुई मूवी, वो सबसे खतरनाक है। लेकिन जो अभी फ्लॉप हो चुकी है भाई मूवी, उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमारे ऋतिक रोशन की एक मूवी सबसे खतरनाक आ रही है भाई, उसका नाम और डेट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मूवी आ रही है भाई, सबसे खतरनाक मूवी आने वाली है हमारे ऋतिक रोशन की। तो पहले अपने भाई को सब्सक्राइब कर दो, अगर हम मेरे पास मूवी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अपने भाई को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो भाई मूवी आपके पास आ जाएगी। लेकिन भाई अगर आप ऋतिक रोशन के फैन होगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब मार दो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के बाद में।